दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी और सीबीआई चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर एक्टिव हो गए और बुधवार रात जैसे ही चिदम्बरम जोरबाग स्थित अपने घर पहुंचे, सीबीआई भी पीछे पीछे चिदम्बरम के घर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज चिदम्बरम को सीबीआई के एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। तो आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर लगातार गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। बुधवार पूरे दिन ईडी और सीबीआई चिदम्बरम के घर के चक्कर लगाती रही, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिली। लेकिन पूरे दिन के घटनाक्रम के बाद बुधवार रात जैसे ही चिदम्बरम ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने घर पहुंचे, तो सीबीआई ने भी बिना देरी किए दीवार फांदते हुए उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज से पी चिदम्बरम की 5 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए 5 दिन के रिमांड को मंजूरी दे दी। ये रिमांड पी चिदम्बरम से पूछताछ करने के लिए मांगी गई। इन 5 दिनों में सीबीआई पी चिदम्बरम को अन्य गवाहों और मामले से जुड़े लोगों से मिलवाएगी। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज दलील पेश की। उन्होंने इस दौरान बताया कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफटीआई वसूल की है, जो कि एफआईपीबी के नियमों का उल्लंघन है। चिदम्बरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि लगभग $5 बिलियन कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया है। सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि पी चिदम्बरम ने पद का दुरुपयोग किया। वहीं पी चिदम्बरम की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम आरोपी हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार नहीं किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि सीबीआई उन पर गलत आरोप लगा रही है। पी चिदम्बरम के केस में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चिदम्बरम को सिर्फ एक अप्रूवर यानी इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर गिरफ्तार किया गया है। अप्रूवर का बयान स्टेटस होता है, सबूत नहीं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरह से चिदम्बरम के पक्ष में खड़ी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी डूबती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।